करनाल के गांव खेड़ा में युवा संगठन की ओर से शहीद उधम सिंह के बलिदान दिवस पर रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें 95 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। इस अवसर पर इंद्री के डीएसपी रमेश चंद्र मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। डीएसपी रमेश चंद्र ने रिबन काट कर शहीद के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित कर उनको नमन किया। इस मौके पर डीएसपी ने कहा कि रक्तदान महादान है। रक्तदान करने से शरीर पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता, अपितु दिया गया रक्त कुछ ही दिनों में पूरा हो जाता है। रक्तदान करने से कई बीमारियों से बचाव होता है। उन्होंने कहा कि युवाओं को अपील करते हुए कि वो इस कार्य में बढ़ चढ़ कर भाग ले। युवा संगठन के अध्यक्ष अनुज शर्मा ने कहा कि समय समय पर संस्था की ओर से समाज सेवा के लिए काम किए जाते हैं, वहीं समाज में फैली सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लोगों को जागरूक किया जाता है। उन्होंने कहा कि आज के रक्तदान शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इंद्र से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं गांव खेड़ा से अनुज शर्मा। गाँव वासियों के सहयोग से युवा संगठन ने, सभी मित्र वासियों ने पहले बार गांव में रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। इस रक्तदान शिविर को चलाने का मेन मुद्दा ये है कि जो गाँव में युवा जो है नशे की तरफ बढ़ता जा रहा है, हो सके युवा नशे से छूट जाए। इस अच्छे काम को देख के, एक दूसरे को देख के, एक दूसरे को प्रेरणा मिलती है और इसी मंशा से हमने रक्तदान शिविर का आयोजन किया है और इसमें मेरी ग्राम पंचायत का बहुत सहयोग है और गाँव वासियों ने भी बहुत सहयोग दिया है। बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं? हाँ जी, बहुत सारे लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। मेरे बड़े उम्रदराज लोगों ने भी बहुत सहयोग किया है, पहुँच रहे हैं लोग, बाहर आसपास के क्षेत्र से भी लोग आ रहे हैं। आज शहीद उधम सिंह का बलिदान दिवस के अवसर पर गांव खेड़ा के अंदर गांव के युवाओं ने बढ़ चढ़ कर भागीदारी की, मिल के फैसला किया कि बलिदान दिवस को हम जो है वो खून दान करके इसको मनाएंगे। तो एक बहुत स्वस्थ पहल है ये हमारे, खासकर जब युवा जो है वो दिशाहीन होते जा रहे हैं, नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसे में इस तरह के जो अवसर हैं, हमारे राष्ट्रीय दिवस हैं या हमारे बलिदान दिवस हैं, जिन लोगों ने आज़ादी के आंदोलन के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर संघर्ष किया और अपनी जान दी देश के लिए, ऐसे अवसरों पर इस तरह का आयोजन करना अपने आप में एक मिसाल है। और मैं उन युवाओं को बधाई देना चाहता हूँ कि जिन युवाओं ने आज इस अवसर पे ये महान कार्य किया है। और शहीद उधम सिंह जिन्होंने, देखिए, इतने लंबे समय तक अपने अंदर जलियांवाले बाग की याद को संजोकर इंग्लैंड के अंदर जाके बदला लिया था, वो एक नौजवान था हमारा जो अपने देश के मूल्यों के प्रति, अपने देश की जनता के प्रति जो उस वक्त अंग्रेज़ों के जो अत्याचार थे उनके खिलाफ जो संघर्ष छिड़ा हुआ था, उसमें देश का युवा जो था वो बहुत बड़े पैमाने पे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चाहे वो अशफाकुल्ला खां हैं, चाहे हमारे चंद्रशेखर आज़ाद हैं, ये सभी युवाओं की एक बहुत बड़ी टीम थी देश में जो वो संघर्ष कर रही थी। और वो युवा जो हैं वो हम युवा हमारे आदर्श हैं, हमारे देश के आदर्श हैं, युवाओं के आदर्श हैं। तो युवाओं से ये, युवाओं को उन शहीदों से प्रेरणा लेनी चाहिए कि न कि हम आपस में जाति धर्म के नाम पर लड़ें, संप्रदाय के नाम पे लड़े, छोटी छोटी अपनी निजी उसके लिए लड़े, लड़े तो हम अपने देश की समस्याओं के खिलाफ लड़े, अपने देश के जो है इतिहास, जो हमारा स्वर्णिम इतिहास रहा है, जो मिलजुल कर भाईचारे के साथ रहने का इतिहास रहा है, ऐसे माहौल के लिए हम लड़े। और आज बलिदान दिवस के अवसर पर विशेष तौर पर ये जो कार्यक्रम है बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, बहुत ही बढ़ चढ़ कर इसमें भागीदारी की है और हम आज इस मौके पे सादर नमन करते हैं, न सिर्फ शहीद उधम सिंह जी को बल्कि और उनकी पीढ़ी के जितने भी नौजवान थे जिन्होंने देश के लिए बलिदान किया, उन सबको नमन करते हैं। धन्यवाद। गांव खेड़ा में ब्लड डोनेशन का कैंप लगा गया है जिसको मुझे आने का मौका दिया गया है और मैंने देखा है कि काफ़ी मात्रा में लोग ब्लड को डोनेट करने के लिए आए हुए हैं। जो इस प्रकार से ब्लड को डोनेट करने में कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता, बल्कि उसकी खाना पूर्ति हो जाती है, जो भी ब्लड गहरा हो जाता है उसमें थोड़ा अड़कापन हो जाता है, उसमें बीपी में भी, दूसरी सुविधा में, बीमारियों में भी बड़ा सा लाभदायक होता है। इस प्रकार से ब्लड को डोनेट करने में कोई किसी प्रकार का शरीर को किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। मैं खास तौर पर युवाओं को इस बात का मैसेज देना चाहता हूँ कि इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें और किसी प्रकार की खून की कमजोरी ना समझें, बल्कि इसके खाना पीने से और भी इसकी अच्छी बढ़ोतरी होती है और तरल में अच्छा गाढ़ा करके पतला हो जाता है, जो हर प्रकार की बीमारी के लिए भी ठीक होता है।
युवा नशे की तरफ जा रहे के इस प्रकार से हमारे डीजीपी साहब की तरफ से अभियान भी चलाया हुआ है और हम तरह से युवाओं को इस प्रकार का मैं संदेश देना चाहता हूँ कि इस नशे को लेकर के छोड़ करके आप इस प्रकार खून को डोनेट करने में इस प्रकार का हिस्सा लेना चाहिए और बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए और अच्छी सोच रखनी चाहिए। नशा बुरी चीज़ है और वह शरीर को ख़राब कर देता है, ब्लड को ख़राब कर देता है और बीमारी अनेक लग जाती है। तो क्या अभियान चला रहे हैं नशा तस्करों के खिलाफ? नशा तस्कर के हमने एक महीने से तस्कर के अभियान छेड़ा हुआ है जो ऊपर से आदेश है और हमने इस प्रकार के नशा करने वाले को हमें अभियान चला करके धरपकड़ शुरू की हुई है और पकड़े भी हैं और आगे भी यह जारी रहेगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.